वेलकम बैक टू माय चैनल मी स्मी पूर्णिमा फ्रॉम पूर्णिमा फैशन ब्लॉग। तो आ जाइए हम यहाँ पे मेरे मामा के घर में। तो सडनली इनविटेशन था तो हम लोग आए हैं। तो यह सुंदर दिल्ली रोड है, यहाँ पे काम थोड़ा सा स्लो होगा। आज कोई मीक यूज नहीं कर रही, बड़ा इंजॉय हो रहा है। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं सडनली कहीं जा रही हूँ, इनविटेशन है। मैं और मेरी बेटी, बेटा नहीं जा रहा है इसलिए हस्बैंड उनको रखे हैं, वो कहीं जाना नहीं खोजता है। तो हम लोग रास्ते में आ चुके हैं, निकल चुके हैं। तो हम जा रहे हैं हम लोग का मामा घर, मेरे जो मामा का घर में। ये रहा, पहुँच गई। तो आज एक शॉर्ट ब्लॉग है। यही तो दीदा चोख ऑपरेशन हो देखा करते आसलम। तो कम आ चोखा भलो आखिर कदम सवधान थकबे ठीक है चोख नहीं। তো এই দিদার চোখের অপারেশন জন্য আমি ভাবলাম একটু দেখা করি। তো অনেকদিন এই লাস্টে বিয়ের সময় এসেছিলাম না, হ্যাঁ আজই আসলাম না। কত আর এখানে আমার মামা, ওয়ান অনলি মাই মামা, একটাই আমার মামা। ড্যান স্টার হচ্ছে না তো বাড়িতে, হ্যাঁ কি ড্যান সোমারা, আরে সত্যি হ্যাঁ আমাদের আমাদের বোনের সোমার বিয়ে, সোমার বিয়ে তে আমার ফাটি আনন্দ। যাবার হবে রূপের বিয়েতে 10:30টা 11টা দিয়ে খাওয়া, রাত 12টা দিয়ে শুরু। হ্যাঁ সত্যি আমি তো ওগুলো মিস করেছি, কেন আমি তো আমার ছেলেটার জন্য। আর তখন রুবি বিয়ে, তখন ছেলে বিয়ে বড় হয়ে যাবে, তখন দাজার বিয়ে রুবি বিয়ে এসে সব এনজয় করবো। তখন এটা ওর দিয়ে আছে না দিদি, ও ওকে দিয়েছে, গিফট করেছে। तो देखिए कितने सारे फ्रूट्स हैं मेरे मामी ने हमारे लिए बनाया है। रेसिपीज बहुत टेस्टी बनी थी आज का लंच, तो लंच वेरी टेस्टी। लुक देखिए, यहाँ पे लाओ चिंगड़ी है, साथ में है सब्जी दाल, दो रकम का मच्छी है, भाजी है। तो मैं बड़ा इंजॉय करी हूँ, और साथ में मेरे मामी मेरे मौसी भी आई हैं, तो उनसे बातें करी। तो बड़े दिनों बाद लास्ट मेरी बहन की शादी में आई थी, आ जाना हुआ। तो बहुत बड़े दिनों बाद आई हूँ, तो बहुत इंजॉय करी हूँ। बेटा नहीं आया, वो उसको कहीं जाना पसंद नहीं है, तो मैं फोर्स भी नहीं करती। तो वो मेरे हस्बैंड के पास है, और यहाँ पे मैं मेरे बेटे इंजॉय कर रहे हैं। तो अभी तो मैं फूड इंजॉय करी हूँ। हाय, सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल। সাদা একটা দাগ যাচ্ছে তাই না, খুব সুন্দর লাগছে। দাদুর জন্য তুমিও খাবে হলিস বিস্কুটটা, আর কেকটা দাদুকে দিও। দাদু আমি আমি নিজের হাতে কেক খুব ভালো বানাতে পারি, প্রত্যেকবার দাদুর জন্য নিয়ে আসি, কিন্তু আজকে কেকটা আনতে পারলাম না বানিয়ে, কেন হট করে আসা। না ঠিক আছে, আমি কোনটা কমাবো, তুই এটা কর, এটা মুই দেখি না না, আমি আমি ভ্যানিলা দা খাবো, পড়ে গেল একটু। হুম মাস্ট ওর কাডু খা, ঠিক আছে মাস্ট করো না। কেন না না আচ্ছা বুনু মেসো কেমন আছে মাসি, ভালো আছে, ভালো আছে। এবো ঢাকে বস, পাটা দিকে বস। ফ্যান্টাস্টিক
কিনতে পাওয়া যায়? ও আচ্ছা আচ্ছা, মামাদের বাড়িটা হলো দিল্লি রোডের সামনে, একদম দিল্লি রোড হাইওয়ে রোড। খুব সুন্দর জায়গা, প্রচন্ড হাওয়া। তো বহু দিন সামনে ঘুরছিলাম, লেকিন ফাইনালি আ গই। হাওয়া হ্যাঁ বড়িয়া লাগ রা। তো मेरी मौसी एक रेसिपी बना रही है जो होता है ना सूखा मच्छी, सूखा मच्छी का सब्जी बना रही है मेरे लिए, क्योंकि मेरा रिक्शा भेज दिया मेरे हस्बैंड ने, थोड़े तो खा के जा, तो वो बना रही है। मेरा मामी ने बहुत अच्छा पकौड़ा बनाया, बहुत टेस्टी। आज का दिन बहुत बढ़िया रहा। आज ये मेरा दीदा का घर, मतलब मामा का घर। इन्विटेशन था मेरा, मेरे बेटी आई है, सब कुछ नहीं, बेटा नहीं आया, रोने लगा, उसको नहीं आना पसंद है। बस तो लंच पकौड़ा, अभी और एक सब्जी बन रही है, तो इंजॉय कर रही हूँ। यहाँ पे सामने दिल्ली रोड है, बहुत अच्छा। तो फ्रेंड्स मैं घर में आ गई हूँ। तो चलिए, आपको अच्छा लगा हो आज का वीडियो, तो नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे। बाय बाय।